नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती की खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के भोजपुर पहुंचे, जहां जगदीशपुर के दुलौर मैदान में आयोजित विजयोत्सव कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अमित शाह ने वशिष्ठ नारायण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि बिहार में भोजपुर की धरती पर आज नया इतिहास बना है। विजयोत्सव में एक साथ 77,900 तिरंगा फहराया गया। बिहार ने पाकिस्तान के 57,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं अमित शाह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार कभी जंगल राज को भूल नहीं सकता है। अमित शाह ने एक और जहां लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला, वही दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एनडीए की सरकार आने के पहले बिहार की जो स्थिति थी लालू रबड़ी के राज में, वो भी जरूर याद कराना चाहता हूं। हमारे आरजेडी के मित्र शायद उनको लगता है कि लालू जी की फोटो नहीं लगाएंगे तो बिहार वाले लालू यादव का राज भूल जाएंगे। मुझे बताओ भाई, जंगल राज आप भूल सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो, भूल सकते हो क्या? यही बिहार था जहां सरेआम हत्याएं होती थी, गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, पीने का पानी का सवाल नहीं था, जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं थी, कोई स्वास्थ्य परियोजना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। आरजेडी के इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद से सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सभी कयासों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकार दिया है। सीएम नीतीश ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में कहा कि इफ्तार पार्टी में जाने का मतलब राजनीति से नहीं हो सकता है। इस तरह की पार्टी में सभी को निमंत्रण दिया जाता है और सरकार की ओर से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किए जाने की परंपरा है, उसमें भी सभी लोगों को न्योता दिया जाता है, इसमें यदि कोई बुलाएगा तो जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने बुलाया, इसीलिए मैं वहां गया। किसी के बुलावे का सम्मान करना चाहिए किसी को भी। इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है, सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं परंपरा, जब से हम हैं तब से कराते हैं, सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही नहीं जी, और उसमें सबको बुलाता है, हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए, तो उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही नहीं चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही नहीं। अब बात आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने जमानत दिए जाने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक और मामले में राहत मिली है। साल 2015 में चुनावी सभा के दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि 18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू की पेशी हुई थी, जिसके बाद फाइल किए गए बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला 27 सितंबर 2015 का है, जब राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में लालू प्रसाद यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे दिया था। इसमें इसको लेकर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज हुआ था लालू प्रसाद यादव पे। इसी मामले में कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है।
एक बार फिर से पूरा देश कोरोना को लेकर डरने लगा है। वहीं बिहार में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। विभाग की ओर से नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है और कई जिलों में नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो रोजाना शाम के वक्त स्वास्थ्य विभाग को अपने जिले में कोविड की स्थिति की जानकारी देंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में बिहार में स्वास्थ्य विभाग के लिए दोहरी चुनौती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में AES और दिमागी बुखार का प्रकोप भी होता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग अभी से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव जारी है। बेखौफ अपराधी लगातार एक के बाद एक मर्डर कर रहे हैं और पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के बड़ी पटनदेवी मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि बढ़ई टोला इलाके से एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वही हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। भतीजा के साथ ही था, तो हम लोग शादी में अटेंड किए, शादी अटेंड करके खाना वाना खा के हम लोग चल आए। हम लोग अपना घर चल गए, जहाँ हम लोग हैं आइए, अकेले यहाँ आ गया। अभी सुबह में जो है कि हम लोग खाना वहाँ से भेजें कि साहब भगना का भी खाना वहाँ खिला दो, अकेले होगा तो भगना खाना लेके घुसा उनका बाइक पत्नी, तो हम लोग अभी फोन की इनकी गर्दन अलग है, शरीर अलग है। अभी सूचना मिला था कि एक व्यक्ति गौरीशंकर मंदिर के, गौरीशंकर नाम का व्यक्ति है जो बढ़ई टोला का रहने वाला है, उसकी हत्या हो गई है। वहाँ पर आने के बाद उसके घर के सभी लोग जो है वो शादी में गए हुए थे, वो रात्रि में बीते रात्रि लेट नाइट वो घर पर वो आया था। आने के बाद जो है उसके परिजन जब आज सुबह में आए दोपहर में देखे कि उसकी हत्या हो चुकी है। पुलिस हर बिंदु पर छानबीन कर रही है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।